हे गाइस, दिस इज़ उमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि आप विंटर की सीज़न में कैसे अपने स्किन और हेयर को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि विंटर के सीज़न में बहुत ज़्यादा स्किन और हेयर ड्राई हो जाता है। तो मैं कुछ आपको हैक्स बताने वाली हूँ जिसे आप फॉलो करके आपको हेल्दी हेयर और स्किन मिल सकता है। सो चलिए वीडियो देख लेते हैं। पहला है ये है, आप फेस वॉश से फेस को वॉश ना करें। अगर आपको फेस को वॉश करना है या आपको क्लीन अप करना है तो वह क्लींजिंग मिल्क ही यूज़ करें। मेकअप रिमूव करना है तब भी आप क्लींजिंग मिल्क या और आप पैराशूट ऑयल और ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल पर जाइए, लेकिन कोई फेस वॉश अपने फेस को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उससे होता क्या है, आपकी स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। ड्राई स्किन के लिए वो बहुत ही खतरनाक है। फिलहाल विंटर के सीजन में फेस वॉश से वॉश करना। अगर आपको फेस वॉश से ही वॉश करना है तो आप कोई मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश से वॉश कर सकते हैं अपने फेस को। सेकंड है, आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए मैट, एनी मैट प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैट फाउंडेशन, मैट लिपस्टिक्स, मैट नेल पेंट्स, ये सब आप थोड़ा बहुत बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको यूज़ करते जाएंगे तो आपकी स्किन, नेल्स, लिप्स और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो फिर भी आप अगर चाहते हैं कि फाउंडेशन हम मैट प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे, तो फिर आप जहाँ जहाँ मैट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उस पहले आप मॉइस्चराइज करना मत भूलिएगा अपने लिप्स, नेल्स और अपने फेस को। थर्ड है, आप अपने फेस पे कोई भी ड्राई फेस मास्क यूज़ मत कीजिए। अगर आपको फेस मास्क यूज़ करना है तो आप थोड़ा माइल्ड फेस मास्क के तरफ जाइए, जैसे कि दही, बनानास, हनी और मिल्क क्रीम से जो फेस मास्क बनता है वो सब यूज़ कीजिए। आप थोड़ा ड्राई फेस मास्क को अवॉइड कीजिए विंटर के सीज़न में, क्योंकि वो उससे स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। फोर्थ है, आप विंटर के सीज़न में एक्सफोलिएट ज़्यादा मत कीजिए। आपको एक्सफोलिएट करना है अपनी स्किन में, लेकिन ज़्यादा नहीं। आपको वीक में एक बार एक्सफोलिएट करना है, उससे ज़्यादा आपको एक्सफोलिएट नहीं करना है। अपनी वीक में 2-3 टाइम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट मत कीजिए, तो उससे और भी ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाता है। फिफ्थ है, आप अपने फेस पे टोनर, जो हर्श टोनर होता है, एस्ट्रिंजेंट टाइप, वो आप थोड़ा अवॉइड कीजिए यूज़ करना विंटर के सीज़न में। आपको अगर स्किन में टोनर अप्लाई करना है तो आप सिंपल रोज़ वाटर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप एस्ट्रिंजेंट और कोई टोनर अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो सकता है। सिक्स्थ है, लिपस्टिक लगाने से पहले आप अपने होठों पे पहले पेट्रोलियम जेली और कोई भी लिप बाम आप लगा लीजिए, फिर उसके ऊपर आप लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। और हफ्ता में 2-3 बार आप अपने लिप्स को एक्सफोलिएट कीजिए। आप पहले अपने लिप्स पे पेट्रोलियम जेली और कोई भी बाम अप्लाई कीजिए, उसको 2 मिनट तक रहने दीजिए, फिर अपने लिप्स को टूथब्रश की मदद से, बेबी टूथब्रश होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, जेंटली आप रब करके अपने लिप्स को, उससे बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएट होता है और जल्दी भी होता है। तो उससे क्या होता है, आपकी लिप्स जो है वो ड्राई नहीं होता है, मॉइस्चराइज भी रहता है, हाइड्रेट भी रहता है। सेवेंथ है, आपको अगर काम पे जाना पड़ता है या आप लोग कहीं बाहर निकलते हैं, तब हम लोग बहुत ज़्यादा खाने के बाद या कभी भी हम बहुत ज़्यादा हाथ धोने लगते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी हैंड जो है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है। तब आप अपने साथ ऐसे ही कुछ हैंडी पैक अपने साथ रखिएगा, जैसे कि वैसलीन और नहीं तो बोरो प्लस। ये जब आप हाथ धोने के बाद ही आप संग संग हाथ में थोड़ा सा बोरो प्लस और नहीं तो वैसलीन अप्लाई कर सकते हैं अपने हैंड पे, तो आपकी जो हैंड है वो मॉइस्चराइज रहेगा। एट है, आपकी जो फीट है, नीज है, एल्बोज है और हील्स है, वो विंटर के सीजन में काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, और हील्स तो कैक भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रात को सोने से पहले आपकी जो फीट है, एल्बोज, नीज और हील्स पे हेवी मॉइस्चराइजर से मॉइस्चर करके रात को सो जाना है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग इसको छूटे भी नहीं है, हैंड्स को और फीट को और एल्बोज को, उससे क्या होता है, वो काफ़ी हद तक रात को मॉइस्चराइज हो जाता है। सुबह उठ के आप विजिबली डिफरेंस नज़र आएगा कि वो काफ़ी हद तक आपकी जो जगह ड्राई हो जाता है वो सब मॉइस्चराइज हो गया है। मैंने ऑलरेडी नीज, एल्बोज और क्रैक फीट पर वीडियो बनाई है, जो अभी आपकी स्क्रीन में आ रहे हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, आपकी हील्स के लिए आप रात को सोने से पहले बोरोलिन और बोरो प्लस गर्म करके लगा सकते हैं, और नहीं तो पेट्रोलियम जेली और नहीं तो ग्लिसरीन आप लगा के फिर आप रात को सो जाइए। 9th है, आप ज़्यादा गर्म पानी से प्लीज़ मत नहाइए, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा और ड्राई हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको गुनगुना गर्म पानी में ही विंटर के सीज़न में नहाना है। आपको नहाने से पहले थोड़ा कोकोनट ऑयल, नहीं तो ऑलिव ऑयल, आप अपने पूरे स्किन बॉडी में लगा लीजिए, फिर आप नहाइए, और फिर नहाने के बाद पूरे बॉडी में आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप अपने पूरे बॉडी में अप्लाई कर लीजिए। तो उससे क्या होता है, आपकी स्किन की जो हाइड्रेट है वो
सही रहता है और स्किन मॉइस्चराइज भी रहता है दिन भर। विंटर के सीजन में प्लीज़ 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 आप अपने बालों में हीट कार्लर, स्ट्रेटनर ये सब यूज़ करना थोड़ा सा बंद कीजिए। इससे क्या होता है, आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, ये और भी फ्रिजी हो जाएगा, इससे जो मॉइस्चर है सारे चले जाते हैं, आपके बालों की टेक्स्चर ख़राब हो जाता है, बाल जल्दी से टूटता भी है। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए विंटर के सीज़न में। और कभी भी, सिर्फ मैं विंटर के सीज़न में नहीं बोलूँगी, आप थोड़ा ये सब चीज़ से थोड़ा सा दूर रहेगा, आपको बालों को ठीक रखना है। तो 11th हैक है कि आपको अगर विंटर के सीज़न में कोई सोप यूज़ करना है तो आप प्लीज़ डव सोप ही यूज़ करें, और नहीं तो डव शावर जेल, क्योंकि डव में 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्किन जो है उसमें मॉइस्चर को लॉक करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और सपल रहता है। तो मैं प्रेफर करूँगी अगर आपको कोई सोप यूज़ करना है तो आप डव यूज़ करें। 12th हैक ये है कि जिनकी ऑयली स्किन है उन्हें लगता है कि उनकी स्किन पे मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है विंटर के सीज़न में, क्योंकि ऑलरेडी एक ऑयल निकलता है उन लोगों की स्किन पे, जैसे कि मेरी स्किन ऑयली है, मुझे मालूम है इस चीज़ के बारे में। लेकिन ये एक मिथ है, इसे फॉलो नहीं करना चाहिए कि विंटर के सीज़न में मॉइस्चराइजर, ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मॉइस्चराइजर की। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप कोई माइल्ड मॉइस्चराइजर पे जाइए, कोई हैवी कोल्ड क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं पतंजलि का, ये बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइजर है ऑयली स्किन के लिए। 13th है ये है कि नेल्स के लिए, आप नेल पेंट रिमूव करने के बाद आप बार बार नेल पेंट अप्लाई इसमें मत कीजिए, इसको थोड़ा सा रेस्ट लेने दीजिए। अपने नेल्स को भी रेस्ट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो 1 week तक आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए नेल पेंट लगाना। आप उसकी जगह पर रात को सोने से पहले या कभी भी आपको टाइम मिले तो आप थोड़ा पेट्रोलियम जेली इस पर अप्लाई कीजिएगा। तो इससे क्या होता है, आपके नेल्स भी मॉइस्चराइज रहेगा, नेल्स जल्दी से टूटेगा भी नहीं। 14th हैक मैं ये बताने वाली हूँ कि हेयर के लिए, आपको हेयर वॉश करने से पहले आप अपने बालों को 30-40 मिनट्स तक थोड़ा सा ऑयलिंग कर लीजिए। जैसे कि पैराशूट है, आलमंड ऑयल का, आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है उसी ऑयल से आप अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिए, फिर आप हेयर वॉश कर लीजिए। कोल्ड वाटर से ज़रूर वॉश कीजिएगा, हॉट वाटर से वॉश नहीं मत कीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, बाल टॉवल ड्राई करना है इसे, और फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या जो भी वाला आपके पास अवेलेबल हो थोड़ा सा आप अपने पंप पे लीजिए थोड़ा सा, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छा से मिक्स करके अपने पूरे बालों पर स्प्रेड कर दीजिए अच्छा से, जैसे कि आप सीरम लगाते हैं अपने बालों में। उससे क्या होता है, आपकी हेयर जो है वो ड्राई, फ्रिज ये सब कुछ भी नहीं होगा, आपकी जो हेयर की जो मॉइस्चर है वो लॉक रहेगा। लास्ट और फाइनल हैक मैं बताने वाली हूँ जो है कि आपको आपकी स्किन को अगर हाइड्रेट और डिटॉक्सीफाइड रखना है तो प्लीज़ आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा, एटलीस्ट 4-5 liters पानी आपको पर डे पीना है। और आप चाहते हैं, अगर पानी पी रहे हैं उसके साथ साथ आप जूस भी पी सकते हैं, अगर आपको पानी पीना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो आप जूस भी पी सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहता है और डिटॉक्सिफाइन भी हो जाता है। तो कैसा लगा आपको मेरी वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं भी जानना चाहूँगी कि आप विंटर में क्या क्या करते हैं, आपका क्या हैक्स है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। आपके मन में कोई सवाल हो इस वीडियो के बारे में या कुछ भी, तो आप मुझे वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इसके आंसर ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल रहा है तो आप काइंडली इसे आपके फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स में। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए।